के सबसे बड़े लोकतंत्र भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री से एक बार फिर आज देश की माताएं बहनें अपील कर रही हैं, क्या आप तक आवाज़ नहीं पहुंच रही या आप जानबूझकर हमारी आवाज़ अनसुनी कर रहे हैं? पिछले 1.5 साल से जब से कोरोना देश में आया है, प्राइवेट स्कूल सारे बंद हैं और फिर भी स्कूल लगातार पूरी फीस अभिभावकों से मांग रहे हैं, और इस वक्त जब कोरोना की दूसरी लहर ने कहर बरपा रखा है पूरे देश में और अभिभावकों की नौकरी भी जा रही है, रसोई मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, उसके बावजूद भी स्कूल लगातार अपनी मनमानी पर है, पूरी फीस जमा करने का दबाव बना रहे हैं, बच्चों के रिजल्ट रोक रहे हैं, ऑनलाइन क्लास बंद कर रहे हैं, क्यों नहीं इस वक्त आप एक एजुकेशन को भी इमरजेंसी की तरह लेकर इस पर कोई डिसीजन लेते? क्यों नहीं स्कूलों की फीस ऑनलाइन क्लास के हिसाब से डिसाइड की जाती? क्यों नहीं आप केंद्रीय शिक्षा मंत्री को ये आदेश देते कि सारे राज्यों के शिक्षा मंत्री से मीटिंग करके ये डिसाइड करें कि जब पढ़ाई ऑनलाइन चल रही है तो फीस ऑफलाइन की स्कूलों को क्यों दी जाए? आप जल्द से जल्द इस पर कोई कार्रवाई कीजिए, नहीं तो जिस प्रकार आपको चिकित्सा क्षेत्र में फैले गिद्धों को आज पकड़ना पड़ रहा है, कहीं एजुकेशन में भी यही हालत ना हो जाए। आप जानते हैं कि शिक्षा क्षेत्र में भी ऐसे ही गिद्ध चारों तरफ व्याप्त हैं, और अगर आप इसकी असलियत देखना चाहते हैं तो जैसे चुनाव के दौरान आपकी पार्टी बूथ पर कार्यकर्ताओं को छोड़कर सारे वोटरों को रिझाती है, ऐसे ही एक एक प्राइवेट स्कूल के बाहर एक बूथ लगा दीजिए और देखिए कि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी से मध्यम वर्गीय पेरेंट्स किस तरह त्रस्त है।